तो आज अपन लेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन के क्या फायदे हैं, क्या उपयोग है, इनसे क्या क्या पादप कल्याण के लिए, पादप जगत के लिए किया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे टिश्यू कल्चर के फायदे हैं, बहुत सारे इसकी उपयोगिता है। इसको अपन वन बाई वन देखेंगे और इसमें कौन कौन से उपयोगिता है। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ रेयर थ्रेटन एंड एंडेंजर्ड प्लांट, नंबर दो माइक्रो प्रोपेगेशन, नंबर तीन क्लोनल प्रोपेगेशन, नंबर चार एंड्रोजेनेसिस या हैप्लोइड प्लांट प्रोडक्शन, नंबर पाँच वायरस फ्री प्लांट प्रोडक्शन, नंबर छः ट्रिप्लोइड प्लांट प्रोडक्शन, नंबर सात प्रोटोप्लास्ट कल्चर, जीव द्रव्य का कैसे संवर्धन किया जाता है और उस जीव द्रव्य से आगे किस तरह से हाइब्रिड और साइब्रिड बनाए जाते हैं और उसमें किस तरह से जीन प्रवेश कराए जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, पौधों में कैसे एक प्रजाति से जीन निकालकर दूसरी प्रजाति में समावेशित किए जाते हैं, जिसको अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं, तो किस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सोमाक्लोनल वेरिएशन, सोमाक्लोनल वेरिएशन क्या होते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, कौन से पौधों में ये फायदेमंद होता है, तो ये सारी चीज़ें अपन सोमाक्लोनल वेरिएशन के हेडिंग में पढ़ेंगे। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, किन पौधों में कायक भ्रूणोद्भवन जरूरी होता है, किन पौधों में कायक भ्रूण बनाए जाते हैं जिसको आगे अपन उनसे आर्टिफिशियल सीड बना सकते हैं और उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी काम में लिए जा सकते हैं। और लास्ट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, तो ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिसमें जड़ में, किसी में तने में, किसी में पत्तियों में कई तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं जिनको वाणिज्यिक स्तर कॉमर्शियल लेवल पर उनका प्रोडक्शन करके एक मानव कल्याण के लिए उनको काम में लिया जा सकता है। तो इसकी टिश्यू कल्चर की बहुत सारी उपयोगिता है, उन उपयोगिताओं को अपन एक एक करके अपन पढ़ते जाएंगे। और सबसे पहले लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ रेयर थ्रेटन्ड एंड एंडेंजर्ड प्लांट। अब इसमें सबसे पहले सवाल ये आता है कि व्हाई प्लांट्स बिकम रेयर, व्हाई इट बिकम्स थ्रेटन्ड एंड व्हाई इट बिकम्स एंडेंजर्ड। रेयर, तीन टर्म है रेयर थ्रेटन्ड एंड एंडेंजर्ड। अब पौधे रेयर क्यों होते हैं, मतलब उनकी जनसंख्या कम क्यों होती है, तो पौधों के जनसंख्या कम होने के मुख्य तीन चार कारण होते हैं। वो तीन चार कारण क्या होते हैं कि जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, प्रकृति में पौधे पनपने की विधि तीन या चार होती है। उसमें से पहला, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो होता है बीज। बीज के द्वारा पौधा पनपता है या इसकी जनसंख्या बढ़ती है। दूसरा होता है कटिंग, तीसरा होता है ग्राफ्टिंग, चौथा होता है एयर लेयरिंग। तो ये कुछ विधियां हैं जिनके माध्यम से प्रकृति में पौधे पनपते हैं या उनकी जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिनके साथ कई तरह की समस्याएं प्रकृति में मौजूद है, और वो समस्या क्या होती है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें या तो बीज बनते ही नहीं हैं, उनमें कटिंग भी नहीं लग सकती है, उनमें ग्राफ्टिंग भी नहीं हो सकती है, उनमें ईयर लेयरिंग भी नहीं होती है। कुछ पौधे ऐसे हैं
जिसमें बीज तो बनते हैं लेकिन वो सर्वाइव या उसकी वायबिलिटी जीविता बहुत ही अल्प समय के लिए होती है। अतः उन बीज का भी अपन भंडारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कुछ कुछ घंटे या कुछ महीने के लिए ही वो बीज जीवित रहते हैं। और ऐसे पौधे जिसमें ये समस्या है लेकिन पौधे की वैल्यू मानव कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंसान क्या करता है उसको अपने फायदे के लिए अंधाधुंध उसकी कटाई करता है। इसके बदले में क्या होता है, उसकी कटाई तो ज़्यादा होती रहती है, उसकी जनसंख्या कम होती रहती है और प्रकृति में उसके पनपने की कोई विधियाँ मौजूद नहीं है, इसलिए वो पौधा रेयर बन जाता है, उसकी जनसंख्या कम हो जाती है। प्रकृति में उसका दोहन ज़्यादा होता है और प्रकृति में उसको पनपने की विधि बहुत कम अवेलेबल है, इसी के कारण पौधे की जनसंख्या कम हो जाती है। तो वे पौधे जिनकी जनसंख्या को अपन गिन सकते हैं उन पौधों को रेयर कैटेगरी में डाला जाता है। तो रेयर पौधे कौन से होते हैं, वे पौधे जिसका ओवर यूज मानव के द्वारा उसका अति दोहन करने के कारण और प्रकृति में उनके पनपने की विधि उपलब्ध नहीं होने के कारण, और वे पौधे मानव कल्याण के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिसकी वजह से ही मानव उसका अधिक से अधिक दोहन करता है, उसी के कारण उसकी जनसंख्या कम हो जाती है, उनको अपन गिन सकते हैं, उन पौधों के ग्रुप को समूह को रेयर पौधे कहते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है थ्रेटन, संकटग्रस्त नहीं, थ्रेटन तो विलुप्त होने वाली, ये फर्स्ट है। फिर थ्रेटन, थ्रेटन में क्या होता है कि जब पौधा रेयर हो जाता है और उस पौधे को बचाने के लिए मानव या साइंटिस्ट अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसकी जनसंख्या डे बाई डे और विलुप्त और कम होती जाएगी और वो पौधा बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर चला जाएगा। उन पौधों की संख्या गिनी चुनी रह जाएगी, उनको हम आसानी से स्पॉट कर सकते हैं कि एक पौधा वहाँ है, एक पौधा वहाँ है उस प्रजाति का। तो ये पौधे जो रेयर है और रेयर का भी उनको बचाने के लिए कंजर्व करने के लिए कोई अपने ध्यान नहीं दिया है, वो पौधे थ्रेटन हो जाते हैं। इसलिए वे पौधे जिनकी जनसंख्या बहुत ही सीमित हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, उनको थ्रेटन कहा जाता है। और थ्रेटन के आगे जो पौधे एक दो या कुछ एक पौधे ही बचते हैं तो वो पौधे एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। और एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन पौधे के दोहन कटाई वगैरह पर रोक लगा देती है, इसलिए रेड डेटा बुक होती है। उस रेड डेटा बुक में जो संकटग्रस्त पौधे हैं, एंडेंजर्ड प्लांट है, उस एंडेंजर्ड की सूची में उन पौधों को डाल दिया जाता है और उसकी वजह से फिर आगे उस पौधे का कोई दोहन नहीं करता है। तो राजस्थान से बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है, जैसे उसमें सिरोपेजिया है, ये क्या नाम उसका, सिरोपेजिया बल्बोसा, कॉमीफोरा वाइटी, जो गूगल धूप बनता है, गूगल धूप तो कॉमीफोरा नाम है उसका, कॉमीफोरा वाइटी। ये एंडेंजर्ड प्लांट है और इनको रेड डेटा बुक में एनलिस्ट कर दिया जाता है, फिर इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका संरक्षण करती है।
मेरे कहने का मतलब ये है कि पादप उत्तक संवर्धन विधि वो वैकल्पिक विधि है जो या जिसमें प्रकृति में पौधे के पनपने के लिए कोई विधि अवेलेबल नहीं हो, कोई विधि उपलब्ध नहीं हो, तो पादप उत्तक संवर्धन विधि ऐसे पौधों के लिए एक वरदान साबित होती है और पादप उत्तक संवर्धन विधि के द्वारा उन पौधों की चाहे अपने को जड़ मिल जाए, तना मिल जाए, पत्ती मिल जाए, फूल मिल जाए, पुंकेसर मिल जाए, अंड कोशिका मिल जाए, कोई भी पौधे का भाग मिल जाए, उसका संवर्धन करके उसकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो ये टिश्यू कल्चर का बहुत ही नोवल कार्य है, बहुत ही आदर्श कार्य है, जिसकी सहायता से रेयर थ्रेटन्ड एंड एंडेंजर्ड प्लांट को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। ये केवल टिश्यू कल्चर के द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है, अदरवाइज प्रकृति में वो मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से वो रेयर भी बन रहे हैं, एंडेंजर्ड भी बन रहे हैं, थ्रेटन्ड भी बन रहे हैं। तो टिश्यू कल्चर की वजह से ही तो पहली ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन ऑफ रेयर थ्रेटन्ड एंड एंडेंजर्ड प्लांट। तो इसकी टिश्यू कल्चर विधि के द्वारा जो संकटग्रस्त पौधे हैं, रेयर हैं, विलुप्त होने के कगार पर पौधे पहुंच गए हैं, उनको उनका संरक्षण किया जा सकता है, उनका संवर्धन किया जा सकता है, उनकी जनसंख्या बढ़ाई जा सकती है। ये टिश्यू कल्चर का सबसे पहला फायदा है। दूसरा फायदा माइक्रो प्रोपेगेशन। यहाँ दो शब्द आते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन एंड एक होता है मैक्रो प्रोपेगेशन। एक होता है मैक्रो प्रोपेगेशन। अब दोनों में क्या फर्क है, माइक्रो प्रोपेगेशन एंड मैक्रो प्रोपेगेशन? प्रकृति में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पौधे पनपाने के लिए तीन चार विधि मौजूद है, या तो बीज से है, या कटिंग से है, या ईयर ग्राफ्टिंग से है, या ईयर लेयरिंग से। कोई भी विधि हो, एक बीज से एक ही पौधा बढ़ेगा, एक कटिंग लगाएंगे तो उससे एक पौधा बढ़ेगा, एक ग्राफ्टिंग करेंगे तो उससे भी एक ही पौधा बढ़ेगा। तो ऐसी विधि जिससे किसी भी मेथड को काम में लेते हुए, चाहे बीज हो तो उससे एक ही पौधा बनता है, चाहे कटिंग हो उससे भी एक ही पौधा बनता है, इस विधि को बोलते हैं मैक्रो प्रोपेगेशन। और इस मैक्रो प्रोपेगेशन के साथ समस्या क्या है कि जैसा कि मैंने बताया, एक बीज से एक पौधा बढ़ेगा, एक कटिंग से एक पौधा बढ़ेगा। तो समस्या ये है कि मान लीजिए अपन ने 100 बीज लगाए, तो 100 में से 20-30 बीज ऐसे हैं जिससे प्लांट बनेंगे ही नहीं, या 20-30 अपन कटिंग लगा देते हैं। बहुत से पौधे हैं जो कटिंग से फैलते हैं, कटिंग से होता है, जैसे गुलाब वगैरह है तो कटिंग से होते हैं। तो अपन उन पौधों की अगर 100 कटिंग लगाई तो 100 में से 50-60 कटिंग ही सर्वाइव होती है, बाकी कटिंग सर्वाइव नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें रेट ऑफ सर्वाइवल कम होता है, रेट ऑफ मोर्टेलिटी ज़्यादा होता है। तो इसके साथ दो समस्या है, एक तो एज, एक जो प्रोपेग्यूल है उससे एक ही पौधा बनेगा, एक चाहे बीज हो चाहे कटिंग हो उसे एक ही पौधा बनेगा। दूसरी समस्या यह है कि उसमें सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है एवं मॉर्टिलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत अधिक होता है। यह मैक्रो प्रोपेगेशन के साथ समस्या है। इससे उल्टा माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म गुणनन जैसा कि अपन एक प्रकृति में देखते हैं, पौधों की अपन छंगाई करते हैं, कटाई करते हैं, तो उस डाली पे के हजारों की संख्या में नई डालियां बनती हैं। तो जो उसकी पर्व संधि है, उस पर्व संधि से नई डालियां बनती हैं, नई शाखाओं का प्रस्फुटन होता है। ठीक इसी तरह से पौधे का एक नोडल पार्ट अपन ले लेते हैं और उसका संवर्धन करते हैं,
तो एक नोडल पर्व संधि से 5 से 6 तने बन सकते हैं, एक पर्व संधि से 5 से 6 तने बन सकते हैं। यहाँ पर 5-6 डालियां मिलेगी, 5-6 तने मिलेंगे आपको। फाइव टू सिक्स शूट एंड ईच शूट है, ईच शूट है 5 to 6 नोडल सेगमेंट। एक पर्व संधि को, एक पर्व संधि युक्त तने के टुकड़े या एक्स प्लांट का अपन अगर संवर्धन करें तो उस पर्व संधि से कई कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, उसमें प्रस्फुटन होता है और उस प्रस्फुटन से 5-6 तने बनते हैं। जब वो तने 500 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं तो प्रत्येक तने में 5 से 6 पर्व संधि युक्त एक्सप्लांट प्राप्त होते हैं और उन एक्सप्लांट का पुनः अपन संवर्धन करते हैं तो वापस प्रत्येक पर्व संधि से 5-6 तने प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से एक नोडल शूट सेगमेंट को लेके अपन संवर्धन शुरू करें तो उससे सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में नए पौधे बनाए जा सकते हैं। उसको कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म गुणनन। तो सूक्ष्म गुणनन वह विधि है जिसके सहायता से एक एक्सप्लांट से पात्र तकनीकी के अंदर सैकड़ों की संख्या में पौधे बनाने की विधि को सूक्ष्म गुणनन या पात्र या माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड है पात्र तकनीकी या इन विट्रो, इन विट्रो या पात्र तकनीकी। तो इन विट्रो का हिंदी में पात्र तकनीकी कहते हैं। तो इन विट्रो का मतलब यह है कि वह तकनीकी जिसके अंदर लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नियंत्रित हो, उस कक्ष की दशाएं जर्महीन हो, ऐसा कक्ष, ऐसी दशाएं जिसमें जर्महीन दशाएं हो, लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो और पौधे का पोषक पदार्थ केमिकली डिफाइंड हो, ये जब तीन कंडीशन होती है उसको पात्र तकनीकी कहते हैं। पहला केमिकली डिफाइंड मीडियम, दूसरा एसेप्टिक कंडीशन और तीसरा कंट्रोल कंडीशन ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। तो पात्र तकनीकी वह दशा है, वह कंडीशन है जिसके अंदर रासायनिक तौर पर पूर्ण परिभाषित माध्यम होता है, जर्महीन दशाएं होती है, एसेप्टिक कंडीशन होता है एवं ताप, आर्द्रता और प्रकाश
की दशाएं नियंत्रित होते हैं उनको इन विट्रो कहते हैं, उनको इन विट्रो कहते हैं। तो पात्र तकनीकी में एक सूट सेगमेंट या कोई सा भी एक एक्सप्लांट काम में लेते हुए, चाहे पत्ती हो चाहे जड़ का टुकड़ा हो, उससे सैकड़ों की संख्या में पौधे बनाने की विधि को सूक्ष्म गुणन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। तो माइक्रो प्रोपेगेशन और मैक्रो प्रोपेगेशन में रात दिन का अंतर है। मैक्रो प्रोपेगेशन में एक प्रोपेग्यूल से एक ही पौधा बनता है, जबकि यहाँ पर किसी कोई सा भी एक कर्तून तक या एक एक्सप्लांट को काम में लेते हैं और उससे सैकड़ों की संख्या में पौधे पात्र तकनीकी के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर बनाए जा सकते हैं। इसको सूक्ष्म गुणन कहते हैं। तो ये दूसरी टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशन है। तो पहली एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ रेयर थ्रेटन्ड एंड एंडेंजर्ड प्लांट, एंड दूसरी सेकंड है माइक्रो प्रोपेगेशन, और जो नेक्स्ट है ये अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे।